चैनल मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ मिठाई की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने में समय भी बहुत कम लगेगा और साथ ही साथ बहुत कम सामान के साथ हम इस टेस्टी मिठाई को बनाने वाले हैं। और अब तो रक्षाबंधन का समय आ रहा है दोस्तों, आपको भी मिठाई की ज़रूरत होगी, बनाना होगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें रक्षाबंधन के अवसर पर। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, आधा कटोरी मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो सबसे पहले बेसन को हम भूनेंगे दोस्तों, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें बेसन को सेकना है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए आप बेसन को सेकें और जो हमने आधा कटोरी घी लिया है उसे आपको धीरे धीरे करके ही ऐड करना है। पूरा घी एक साथ ना डालें। ये देखिए मैंने आधा कटोरी में से थोड़ा हिस्सा डाला है और बस ऐसे ही रोक रोक कर आपको घी को डालते जाना है और बढ़िया अच्छा बेसन को भून लेना है। तो बहुत ही जल्दी भी बनती है दोस्तों, और जब भी आपका मिठाई खाने का मन हो, कुछ भी मीठा खाने का मन हो, तब तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कम चीज़ें लगेंगी इसे बनाने में और ऐसी चीज़ें जो कि पूरे समय हमारे घर पर रहती हैं। तो पूरा आधा कटोरी मैंने इसमें घी डाल दिया है दोस्तों, ताकि बेसन अच्छी तरह से सिक जाए। तो अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा अरे बेसन तो बड़ा सूखा सूखा लग रहा है, कोई बात नहीं, जब बेसन सिक जाता है दोस्तों, भुन जाता है, तो अपने आप ही उसमें से घी अलग होने लगता है। अभी आप देखिएगा कम से कम 10 मिनट तक के मैंने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही सेका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों बेसन में से घी छूटने लगा है, बस ऐसे ही हमें सेकना है। आप चाहें तो इसमें कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है हमारी मिठाई थोड़ी अट्रैक्टिव बने तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं या फिर एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि रंग अच्छा आए मिठाई का, और नहीं तो फिर मेरे जैसे ही चाशनी में हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बेसन हमारा बढ़िया अच्छा घी में भुन चुका है और गैस बंद कर दी है मैंने। और इधर हम रखते हैं चाशनी, एक कटोरी शक्कर ली है दोस्तों और पौन कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। यदि आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप पौन कटोरी शक्कर ले सकते हैं। अब इस चाशनी में मैं डालूँगी केसर के 10 से 12 धागे ताकि अच्छा बढ़िया ऑरेंज कलर आ जाए, बर्फ़ी का थोड़ा सा गहरा रंग आ जाए। तो ये देखिए 10 से 15 मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं और बढ़िया चाशनी को उबलने रख दिया है और बीच बीच में इसे चलाते जाएं। और अब आप देख सकते हैं पूरे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पर ही मैं चाशनी बना रही हूँ, चाशनी का रंग भी अच्छा आ गया है। बस इस तरह से आप देखिए ये तार दिख रहा है दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि तार आने लगा है आप गैस की फ्लेम फिर बंद करें। थोड़ी सी हमें इसकी चाशनी वैसे कड़क ही रखी जाती है और गैस बंद है दोस्तों, अभी मैंने ये बेसन वाले गैस को चालू नहीं किया है, ये बंद ही है और इसमें मैंने इस चाशनी को डाल दिया है। ये देखिए इसलिए मैंने दिखाया आपको कि गैस बंद करके ही आपको बिल्कुल गरम गरम चाशनी को इसमें डालना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लें आप इसे ताकि बेसन जो है वो बढ़िया अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स हो जाए। और इस बीच आपको जिस बर्तन में भी बेसन की बर्फ़ी को जमाना है, इस मिठाई को सेट करने रखना है, उसमें आप ग्रीसिंग ज़रूर कर लें। और आपको इस समय ऐसा लग रहा है हमारा मटेरियल पतला है तो आप गैस चालू कर सकते हैं, और नहीं है लग रहा है आपको दोस्तों तो गैस चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास ये एल्यूमिनियम की ट्रे है, इसमें मैं आधे हिस्से में ही घी लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा मटेरियल बहुत सारा नहीं है और यदि हम इसे खूब ज़्यादा फैला कर बनाएंगे तो हमारी मिठाई थोड़ी पतली पतली बनेगी। हम चाहते हैं अच्छे थोड़े से चौड़े चौड़े मोटे मोटे इसके पीस बने, इसलिए आधी ट्रे में ही ग्रीसिंग की है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसा ही गाढ़ापन होना चाहिए। बस अब आप इसे सेट करने रख सकते हैं और बेसन की बर्फी तो दोस्तों बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत से लोग बेसन की बर्फी में सूजी भी मिलाते हैं, आप चाहें तो 2 चम्मच इसमें रवा या सूजी भी मिला सकते हैं बेसन के साथ साथ, और नहीं मिलाना चाहें तो ना मिलाएं। खूब अच्छी तरह से इसे फैला दें और ऊपर से बढ़िया एक जैसा चिकना कर लें, साइड के हिस्से को भी आप पूरा प्लेन करें ताकि हमारा कोई भी पीस खराब होने ना पाए, बढ़िया अच्छी इसकी कटिंग हो जाए। तो एक प्लेट की सहायता से मैं इस तरह से इसे चिकना कर रही हूँ, ये देखें
ताकि कहीं से भी इस तरह से दरदरा सा ना रहे। प्लेट से चिकना कर लिया है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो भी अभी आपके पास है। तो मेरे पास यहाँ पर पिस्ते की कतरन है वो डाल रही हूँ, आप चाहें तो बादाम डाल सकते हैं अपने पसंद का, कि किसी भी चीज़ से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए प्लेट से मैंने इसे अच्छी तरह से दबा दिया है ताकि ड्राई फ्रूट चिपक जाए। ये काम आपको गरम गरम में ही करना है और इसे जमने में मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। अब आप इसकी कटिंग करें, मन चाहे शेप से काटें, स्क्वायर काटें, रेक्टेंगल काटें, या फिर आप इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए आप मेरे काटने के अंदाज से ही समझ रहे होंगे दोस्तों कि हमारी मिठाई बहुत ही नरम बनी है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हमारी ये बेसन की बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपके घर पर भी सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। और आपने देखा मैंने इसमें क्या सामान, कोई ख़ास सामान यूज़ नहीं किया है दोस्तों, बेसन, शक्कर और घी ज़्यादातर हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल होती हैं। ये देखिए मैं काटती जा रही हूँ और इसके जो पीस हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं, साइड के किनारे मैंने थोड़े से फिनिशिंग के लिए अलग कर दिए हैं ताकि एक जैसे हमारी बर्फी दिखे। तो चलिए अब आपको मैं इस बर्फी को निकाल कर दिखाती हूँ। काटते काटते ही जो बर्फी के पीस हैं दोस्तों वो बिल्कुल ट्रे में से अलग होने लगे हैं। तो चाकू की सहायता से थोड़ा सा सहारा दें और बेसन की बर्फी को आप अलग करते जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बाज़ार से मिठाई लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी दोस्तों इस समय हमें बाज़ार की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्यों ना हम घर पर ही मिठाई बनाकर तैयार कर लें, और घर पर हमने इतनी शुद्धता से बनाई है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बहुत ही नरम नरम सी हमारी बेसन की बर्फी बनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर आप इसे अगर 1 महीने तक भी स्टोर करेंगे तब भी ये बर्फ़ी बिल्कुल ही नरम सॉफ्ट बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।